हेलो स्टूडेंट्स, आज हमने एक बनेंगे एक्सरसाइज 1.4। उसके पहले आपको कुछ इंट्रोडक्शन बता दूँ कि क्या है इस एक्सरसाइज में। सबसे पहले हमारे पास रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर, इसकी आगे दो टाइप होती है, ठीक है। एक होते हैं विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, विदाउट डेसिमल एक्सपेंशन, इसमें कोई डेसिमल नहीं लगता है, ठीक है। जैसे हो गया, इसमें सारे इंटीजर आ जाएंगे, जैसे -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे इंटीजर आ जाएंगे। एक होते हैं विद डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के साथ होते हैं, विद डेसिमल एक्सपेंशन, विद डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी भी आगे थ्री टाइप्स होती है। एक होती है टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, ठीक है, जिसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता, जिसमें डेसिमल में आंसर आ जाता है, जैसे 1.234 आ जाए। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, डेसिमल में आंसर आता है पर टर्म बार बार रिपीट होती जाती है, जैसे 1.234, फिर 234, 234, ऐसे करते करते बार बार रिपीट होती जाती है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1.234 के ऊपर बार डाल देते हैं। एक होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जिसमें टर्मिनेटिंग भी नहीं होती, रिपीट भी नहीं होती टर्म, जैसे 1.236789 3 2 4 3 5, ऐसे टर्म आती रहती है। ये जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, इनको हम कह सकते हैं रैशनल नंबर, क्योंकि इनको पी पॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये जो होती है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होती है इरेशनल नंबर, ठीक। अब एक्सरसाइज में डिवाइड किए बिना बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है पी अपॉन क्यू वाला। अगर हम क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ, क्यों को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्यों इज इन दी फॉर्म ऑफ 2m, 5n, क्यों को हम प्राइम फैक्टर करके इस फॉर्म में, वेयर m एंड n आर होल नंबर, जहाँ पर m और n होल नंबर होने चाहिए। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे टर्म है 7/8, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे, 8 के यही निकाल लेते हैं, 8 के 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 और 2, मतलब 2, 2, 2 तीन बार आ गए, तो ये अगर 2 की पावर 3, और 5 की पावर कोई भी नहीं बनी तो 5 की पावर 0 लिख लिया। तो ये हमारी इस फॉर्म में बन गया ना, 2 की पावर m 5 की पावर n, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m 5 की पावर n, सो इट इज टर्मिनेटिंग। ये ध्यान से समझना, सारी एक्सरसाइज इसी पर डिपेंड है, ठीक है। ये है 2 की पावर m 5 की पावर n, ये हमारे पास हो गए टर्मिनेटिंग। अब जैसे कोई और एग्जांपल देखते हैं, 8/15, और 15 के क्या बनते हैं, 3 5 का 15 और 5 1 का 5, तो ये हमारे पास हो गए 8/15, ठीक है, 3 की पावर 1 एंड 5 की पावर भी 1। यहाँ पर हमारे पास 5 की पावर m तो बन गई, दूसरी साइड में 3 की पावर बनी है, जबकि हमेशा 2 या 5 की पावर ही बननी चाहिए। सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हमारे पास नहीं है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया ऐसा। अब एक और पार्ट
अगर उसने कहा इसको डेसिमल में करो, डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे ये टर्म है 7/8 है, तो हमारे पास क्या बन गया 7/2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3 बन गई, तो हमने क्या करना है 5 की भी उतनी पावर रखनी है अपनी तरफ से, ऊपर नीचे उसी पावर से मल्टीप्लाई कर देना है, 5 की पावर 3 से नीचे, 5 की पावर 3 से ऊपर, तो ये क्या हो गया 7 × 5 की पावर 3 कितना हो गया 125, और 2 5 का 10 की पावर 3, 125 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 5 का 35, 7 2 का 14 और 3 15 सॉरी 17, 875, और नीचे 10 की पावर 3 1000 हो गया। अब नीचे 3 0 है, ऊपर 3 डेसिमल छोड़कर पॉइंट लगा देना, 875 यहाँ पॉइंट लग गया, 0.875 हमारा आंसर आ गया। इसको हमने ऐसे करना डेसिमल में, वो जब हम सेकंड पार्ट करेंगे डेसिमल वाला तो फिर आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप ये देख लो, ये पार्ट हमारी इंट्रोडक्शन थी, इसको अच्छी तरह समझ लेना। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4।